मैंने जनाब शुएब साहब एडवोकेट का नाम लिया। मैं ये कह सकता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में जब संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा था, वकील वो होता है कि जब तक कि मुलजिम को मुजरिम न बना दिया जाए, अदालत न कर दे, तब तक किसी को उसको मुजरिम कहने का हक हासिल नहीं है। लखनऊ का बलकांड होता है, बनारस का बलकांड होता है, गोरखपुर का बलकांड होता है, और मासूम मुसलमान बच्चों को जिस तरह से उसमें मुलविस कर दिया जाता है, उस पर कोई वकील नहीं मिल रहा था। मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं शुएब साहब, आपको देखें, मैं शुएब साहब से गुजारिश करूंगा, इस आदमी ने किसी लखनऊ कोर्ट में किसलिए मार खाई इस उम्र में कि उन्होंने हक परस्ती का काम करने के लिए, वकालत का जो पेशा था उसकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए काम किया। मैं ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कहीं पर कोई हो, किसी संगठन से हो, हमारे बाद इख्तलाफात हो सकते हैं, है और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन उसूली इख्तलाफ है। लेकिन अगर खिदमातों को मानने की बात आएगी तो हम अपने से पहले भी उन तमाम लोगों की खिदमात का तस्करा करने में खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। यह है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की असली सोच। मैं माजी देवबंदी साहब का नाम भूल गया। बादशाह ऐसे होते हैं कि आज जो ईमानदारी, जो सच्चाई सियासत में अगर मेरे पास है तो मुझे माजिद साहब को शेर, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, अल्फाज में कि मैं कह सकूं, आज से नहीं 200 साल का ताल्लुक है, उनका ये शेर कि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके वो सर, हर दर पे झुके सर वो मेरी शान नहीं है। उस जज्बे और ईमानदारी में जो आज तक झुका नहीं, हमने जो पंचलाइन दिया कि हम झुके नहीं, हम रुके नहीं और हम थके नहीं, तो उसमें इनके उस अशार का भी कि हाशिम एडवोकेट साहब हैं, आज जहां भी रात के 12 बजे मुसीबत होती है, ऐसे बहुत से साथी हमारे यहाँ निसार साहब, बहुत से लोग हैं, मैं किन लोगों का नाम लूँ, तमीम, बहुत से लोग हैं, तमीम साहब हैं, पूरे हम नाम नहीं ले पाएंगे, और अगर किसी का नाम भूल रहे तो ये बिल्कुल ना समझे कि मैं कहीं किसी की पहचान में या उसकी खिदमात मुझ तक नहीं पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है कि आपने हमें यहाँ अगर बैठाला है तो एक एक चीज़ पे नज़र होती है। दोस्तों, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उन रवायती सियासतों, सियासतदानों की तरह हम लोग सियासत में नहीं आए। यहां जितने लोग हैं, मैं ज्यादातर लोगों के बारे में कह सकता हूं कि इससे पहले राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के 99% लोग किसी दूसरी पार्टी की गुलामी उन्होंने नहीं किया। क्यों भाई, अगर मेरी बात सही है तो हाथ उठा के बताएं। 99% मैं कह सकता हूं, या स्टेज पे भी, अगर जिन्होंने गुलामी नहीं की है तो मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिन हालात में बनी, हमने कोई प्लानिंग करके हम नहीं आए थे कि चलो हम लोगों को वरगलाएं, चलो हम लोगों को जज्बाती नारे दें, चलो हम लोगों को के जज्बात को भड़का करके MLA और MP बन जाए, वरना 10 साल यहाँ बहुत से लोग हमारे मौजूद हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मौलाना आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए,
सियासत से अल्लाह ताला को निकाल बाहर कर दिया गया है। एक जमाना था किसी भी कौम का तीन तबके करीम होते हैं, किसी भी कौम का। अगर मुसलमानों की बात करें तो उलमाए कराम, जाति दुश्मनाने कौम, और तीसरा तबका होता है सियासतदान। ये करीम होते हैं जो कौमों के हालात को बदलते हैं। अगर इसी को आप दूसरी कौमों में कर लें तो उलमा की जगह साधु संत, बुद्धिजीवी और सियासतदान। लेकिन क्या 70 साल में किसी एक आलिम दीन में, किसी एक दानिशवराने कौम में से, किसी एक सियासतदान में से एक नाम लिया जा सकता है कि जिसने ये तय किया हो कि हम अपनी कौम में एतबार और एतमाद पैदा करेंगे? जिस दिन राष्ट्रीय उलमा कौंसिल बनी, यहाँ पर हमारे तमाम उलमाए कराम मौजूद हैं जो शुरू से साथ थे, हमारे जो साथी हैं। अगर याद होगा तो हमने कहा था कि जब हम लोगों के दरमियान जाएंगे तो सियासत में मौलवियों ने भी एक बिकाऊ माल की हैसियत से काम किया है, तो हमें भी वही समझा जाएगा। दानिशवरों ने भी यही काम किया है और सियासतदानों ने तो गुलामी की आखिरी हद कर दी है। तो हमने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम मुसलमान हैं तो इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। हमने जो आयत आपके सामने तिलावत की, उस आयत का मकसद ही यही है कि हमने रसूलों को तुम्हारे दरमियान निशानियों के साथ, किताबों के साथ और शरीयत के साथ उतारा। उसका मकसद ये था कि लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ कायम करें, लोगों के दरमियान। अभी मौलाना ने कहा अल-खल्क व अय्यादुल्लाह, कि सारे के सारे बिला तफरीक मजहब, मिल्लत, मसलक जो दुनिया में पैदा हुआ वो अल्लाह का कुंबा है, परिवार है। तो अगर एक परिवार के किसी एक को ठेस लगे, उसके साथ जुल्म हो, तो परिवार के दूसरे आदमी को वो दुख होना चाहिए। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के अलावा हिंदुस्तान के 70 साल में किसी भी सियासी पार्टी ने इस दुख और दर्द को महसूस नहीं किया। अगर महसूस किया तो सिर्फ राष्ट्रीय उलमा कौंसिल और उसके कारकुनान ने इसको महसूस किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद की सीरत बहुत बयान की जाती है। वो तो शरीयत है, आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना। लेकिन 40 साल नबूवत के पहले जहां से हमें प्रेरणा मिलती है किसी भी काम में, वो ये है कि 40 में 15 साल अगर बुलूगत का निकाल दिया जाए, एडल्ट होने का निकाल दिया जाए, तो 25 साल बचता है। और इस 25 साल में एक वाकया उस पूरी सीरत को बयान करता है। मौलाना ताहिर मदनी साहब ने भी अमानत की एक बात की तरफ इशारा किया, लेकिन एक बात में कि अबू जहल या अबू लहब में से दोनों में से कोई हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पास जाते हैं और कहता है कि क्या कोई आदमी इतनी देर में आसमान पे जाके आ सकता है? तो हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि झूठ बोलता है। कहता क्या बैतुल मुकद्दस जो हजारों किलोमीटर दूर है, क्या इतनी देर में जाके आ सकता है? तो हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि झूठ बोलता है।
तो कहता क्या है वो कि तुम्हारा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो अब सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो सच कहते हैं। दोस्तों वो क्या चीज थी, वो समाज में माशरे में वो एतबार और एतमाद था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल सकते। यही बात मैंने कही थी अपने लोगों से कि जब हम सियासत में जाएंगे तो कहा जाएगा मौलवी बेईमान आया है, पुराना शिकारी नया जाल लेके आया है, हमें घबराना नहीं है। अगर कोई चोर कहे, डाकू कहे, अभी उलमा कौंसिल के तराने में जफर आलम साहब अशरफपुरी ने जो इल्ज़ाम की बात कही, न जाने कितने इल्ज़ाम इस 10 साल में लगे, लेकिन अगर आप इल्ज़ामों पे जाएंगे तो काम छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन जब इल्ज़ाम लगे तो उसको हवा में मत उड़ाइए। अपने दिल को सबसे बड़ा मुफ्ती अगर है, अल्लाह के रसूल ने कहा इस तफ्ती कलबक, अपने दिल से फतवा लो। अगर दिल मुतमईन है कि वो चोर कहता है हम चोर नहीं, वो डाकू कहता है हम डाकू नहीं है, वो गलत कहता है हम गलत नहीं है, अगर आपका दिल मुतमईन है तो दुनिया फाड़ में जाए, आप अकेले खड़े रहिए, अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह के एहसान है। कि आज उलमा कौंसिल के कायद नहीं, नहीं छोटे छोटे कारकुनों ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी अपने समाज में एतबार और एतमाद पैदा किया है। आज अल्लाह के एहसान है कि हर आदमी हमारे समाज में ये कहता है, पॉलिटिकल गलियारों में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि ये बता दे कि हम लोगों ने कभी, एक मर्तबा मुलायम सिंह यादव अभी जब इलेक्शन लड़ रहे थे और हमारी पार्टी ने जब तय किया, यहां पर खासतौर से हमारे राष्ट्रीय सचिव, में नाम लेना भूल गया था, मुफ्ती गुफरान साहब, मौलाना ताहिर मदनी साहब, मौलाना शाह अख्तर साहब, पूरी हाउस ने तय कर दिया कि आमिर रसादी को मुलायम सिंह के सामने आजमगढ़ लड़ना है। मैं तैयार नहीं था, मैं जानता था कि एक तरफ मोदी की नफरत होगी, दूसरे तरफ मुलायम की मोहब्बत होगी, उस दोनों पार्ट में मैं पिस के रह जाऊंगा। लेकिन मुझसे जो मौलाना तीनों ने एक बात कही वो ये कहा कि उलमा कौंसिल का मकसद क्या है। मैं जानबूझ के अनजान बन गया कि मुझे नहीं मालूम, कल लगे बताओ, कल मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, कल लगे बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा जुल्म के खिलाफ जालिम का हाथ पकड़ने का नाम राष्ट्रीय उलमा कौंसिल। तो इन लोगों ने कहा बताओ आमिर, एक जालिम मुजफ्फरनगर के पश्चिम से 657 दंगे करा करके जुल्म करके आ रहा है, क्या तुम उसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे? मैं लाजवाब था, मैंने फिर इस्तखारा किया और लड़ा, और मुलायम सिंह यादव 8 मिनट मेरे जामतुल रिशाद के दरवाजे पे खड़े रहे और लोगों ने कहा मौलाना मिलना चाहते हैं नेताजी, किस लिए मिलना चाहते हैं? यही लखनऊ के एक बड़े बिल्डर और एक हमारे दूर के अजीज होते हैं, मैं समझता था मेरे दोस्त बन के आए हैं, लेकिन वो नेताजी के जज बन के आए थे, वो मेरा खाना उस वक्त खा रहे थे, फोन आ गया, फोन लेके सर सर मौलाना नेताजी मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हैं? क्या आपको बैठाने के लिए? उन लोगों के दिमाग में था, बड़े बिल्डर थे, कि मौलवी आदमी है, 2-5 लाख के लिए परेशान रहता है। मैं अगर कहूं तो कोई हर्ज नहीं होगा, यहां हमारे तारिक भाई मौजूद है, अल्लाह इनको सलामत रखे, ऐसे हजारों लोग हैं। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल अगर यहां पहुंची है
तो न जाने कितने वो लोग जो न्यू की ईट है इमारत खड़ी दिखाई दे रही है लेकिन न्यू की ओट, अगर ये ईटें हट जाए तो इमारत गिर जाए। मेरी गाड़ी में टायर नहीं था, कई गाड़ियों की बात कर, कई लाख रुपया उनका टायर का बाकी है लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे मांगा नहीं। मुझे कई मरतबा शर्म आई, मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा उसकी बात मत करना। आज राष्ट्रीय उलमा कौंसिल इसी तरह के मुखलिस लोगों की वजह से यहां तक पहुंची है और खड़ी है। मैंने एक नाम ले लिया सामने, ऐसे न जाने कितने लोग हैं, आप यहां आए हैं, ये कैसे यहां आप बैठे हैं ये सिर्फ अल्लाह जानता है और फिर मैं जानता हूं। अभी बहुत से लोगों को सम्मान दिया जाएगा लेकिन आप यकीन माने सम्मान के मुस्तहक मेरे लिए खास तौर से मेरे साथ नसीम सरफराज वो फुरकान भाई अब्दुल रहमान शहबाज, ये लड़के जिनकी एक पैसे की तनख्वाह नहीं है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में किसी की एक तनख्वाह नहीं है, जो हमारी गाड़ी चलाता है, हाफिज जी आए हैं कि नहीं हमारे के, वो तमाम लोगों ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। मैं चाहता हूं इन बच्चों के लिए, आज आप यहां पर जो दोपहर में खाना खाए होंगे तो रात भर सरफराज जगा होगा और इंतजाम किया होगा, आज यहां इंतजाम है तो नसीम कई रातों जगा होगा, उसके साथ उसके साथी जगह होंगे, तब आज आप यहाँ पर बैठे हैं, हम बड़े आराम से आके बैठ गए हैं। मैं चाहूँगा इन बच्चों के लिए एक जोरदार ताली से बच्चों को इस्तकबाल। ये 10 साल ऐसे नहीं पूरे हुए, ये संघर्ष ऐसे नहीं मुकम्मल हुआ। दोस्तों अल्लाह के एहसान है, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने 10 साल में एतमाद और एतबार की उस मंजिल को पार कर लिया। मैं अक्सर सफर में रहता हूं, अभी कन्नौज से एक मरतबा जा रहा था, चौराहे पर रोक के गाड़ी हमने पूछी, कभी कन्नौज नहीं गया, रास्ते से जा रहा था कि भाई दिल्ली रास्ता कौन से जाएगा, ये 4-5 साल पहले की बात है, लोगों ने कह रहे वो दुकान हमें रसादी जा रहे हैं। ये बताने का मकसद घेर लिया लोगों ने और वहीं बैठा के चाय पिलाई, मौलाना एक मरतबा आप आइए। बेसरो सामानी में आज 14 स्टेट में अल्लाह ताला ने अपने फजल करम और आप हजरात की दुआएं और मेहनत की वजह से आज 14 स्टेट में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल पहुंचे। शुरू शुरू में हमारे बड़ों ने हमारी मुखालफत भी की कि अभी एक इलाका मुकम्मल नहीं हुआ, छोटों ने भी मुखालफत की, तो मैंने ये किसान देश है, मैंने वही मिसाल दी कि धान की एक किस्म होती है जो बेहन डाला जाता है, फिर वो पेड़ की शक्ल में आता है, बेहन कहते हैं, और फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह रोपा जाता है, उसमें धान ज्यादा होता है लेकिन उसमें पानी भी ज्यादा दिया जाता है। धान की एक दूसरी शक्ल होती है कि अल्लाह ने ऊपर से बारिश कर दी, किसी का उधार का ट्रैक्टर ले लिया और लेके जोत दिया और जोत के ऐसे छिटुआ बो दिया, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल करम से वो धान होता है, उसमें किसी का सबब इख्तियार नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर वो गरीब किसान। इसी तरह राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की जब क़यादत मुझे सौंपी गई तो रोपनी तो हम 2.5 साल अपने इलाके पूर्वांचल में करते रहे लेकिन हम फौरन निकले और बाहर और जाके हमने ये छिटुआ धान जो बोया है वो आज 14 स्टेट में दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ अल्लाह के फजल करम, मेरी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह की तौफीक,
और उसके फजल करम से ये काम मुकम्मल हो पाया है। दोस्तों, आज बहुत सी तंजीमें, मैं यहाँ पर अगर जामतुल रिसात का नाम न लूँ, एक बैक याद आ गया, तो 2008 में जब मैंने अलविदाई जुमा को बंदी का, अभी उलमा कौंसल नहीं बनी थी, 7 तारीख को योगी जी आए थे और ये नारे आजमगढ़ लगे थे, कटुओं के 2 स्थान कब्रस्तान या पाकिस्तान, और हमारा एक लड़का मार दिया गया था, और जाते जाते मोदी जी ने 2 दिन बंदी करा के गए थे और बड़ी बुरी तरह से मजबूरों की मार पिटाई हुई, वो बड़ी मुश्किल से वो लड़ाई लड़ी गई। फिर 13 को बम कांड होता है, 19 को हमारे लड़के मार दिए जाते हैं, 29 सितंबर को अलविदाई जुमा था, हमने बंदी का ऐलान कर दिया। प्रशासन बड़ा परेशान था कि न कोई अपील न कोई ऐलान, न अखबार में कोई प्रेस विज्ञप्ति, उसके बावजूद पूरा जिला बंद हो रहा है और रात में मेरे मदरसे को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया, बहुत डराया धमकाया। एक बात मैंने उनसे आखिर में कही, एसपी साहब भी थे, एडीएम साहब भी थे, जब बहुत उन्होंने कहा ये सजा वो सजा फला ये वो, तो मैंने उनसे आखिर में ये कहा कि एसपी साहब और एडीएम साहब, ये जो चौकी वो हमारे वालिद ने वहाँ खरीद के रखी थी, जो आज तकरीबन 57 साल की वो चौकी हो गई है और मेरी उम्र भी इत्तेफाक से 57 को पहुंच रही है, इसी 5 दिसंबर को 57 में दाखिल हो जाऊंगा। मैंने कहा जब तक अल्लाह ताला ने इस चौकी पे मेरा रिस्क लिखा है, रोजी लिखी है, पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत मिलकर के भी मुझे अंदर का खाना नहीं खिला सकती, और जिस दिन अल्लाह अंदर की लिख देगा, पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत भी अगर हमारी होगी, हमारी दोस्त हो जाएगी, तो बाहर कोई खाना नहीं खिला सकता। मेरी ये बात उस वक्त लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, और जब वो कनामूजी और कलमाडी ये सारे जेल जाने लगे, तब लोगों ने कहा कि मौलाना सही कहते थे, ये तो हुकूमत के हिस्सा थे और अल्लाह ने जब लिख दिया तो जेल जाना पड़ा। मैंने इसीलिए आप वो नारा याद है, एक पैर रेल में, कस के बोलिए मर्दानी आवाज में, एक पैर, दूसरा पैर किसमें, एक पैर रेल में और दूसरा जेल में, ये नारा दिया गया था। वो तैयारी है कि नहीं है, है कि नहीं है? हमने जामतुल रिशाद की, अभी हमें गुजरात जाना था, हमारे पास पैसे नहीं थे, यहां पर हमारे हाफिज साहब बैठे हैं, अमीरुद्दीन साहब हैं क्या कहीं हैं, बाहर गए, मुझे गुजरात जाना था। गुजरात में राहुल जी, वो कौन है, वो दलित नेता हार्दिक पटेल, नहीं 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 हैं, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और एक और कौन था, हरदेश ठाकुर, ये तीनों के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस घूम रही थी। मैं हसास तबीयत का आदमी हूं, ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कांग्रेस से सवाल किया, लोगों से सवाल किया, अपने मदरसे में असाजा से सवाल किया कि राहुल के इर्द गिर्द कोई मुसलमान नहीं दिख रहा है।
वो चर्च में जा रहे, वो मंदिर में जा रहे, वो यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, लेकिन वहां अहमद पटेल जो उनका सबसे बड़ा चमचा था वो भी दाहिने बाएं दिखाई नहीं दे। क्यों? इसलिए कि मुसलमान तो इनके बाप नेहरू का गुलाम था, इनके दादे इंदिरा गांधी का गुलाम था, इनकी माँ सोनिया गांधी का गुलाम था और अब राहुल गांधी का गुलाम। इसलिए इनकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं गया, खुदा की कसम उस जाने का किराया, यहां पर हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष पूरानंद नैयर भाई, हम लोग जानते शाह समत उर्फ नैयर साहब, मैंने इनसे कहा ये अपनी गाड़ियां लेके तैयार रहे, मैं चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए आप दो ध्वज इस्तेमाल करें लोगों का। हाफिज मौजूद नहीं है, हमारे 7,000 या 8,000 रुपये महीना तनख्वाह पाते हैं, ट्यूशन करते हैं। जब इनसे कहा, मेरा दर्द यह है कि अगर मैं जाता, आज वहां मुसलमानों को सीट भी नहीं दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, तो मैंने अपने लड़कों से वहां कहा कि हम जब ये कहते हैं कि हम झंडा लेके जाते हैं तो उस झंडे में 4 फीट का डंडा लेके जाते हैं, झंडा तो 2 फीट का होता है या 5 फीट का डंडा होता है, तो जब कोई मामला सीधे से नहीं होता है तो जब डंडा उठा पलटते हैं, और वो जब डंडा, समझ गए, तब ऐवान हुकूमत की कुर्सियों पर डंडा चुकी जा चुका है तो बराबर बैठ नहीं पाते हैं, हुचुकते हैं। और जब वो डंडा डाता है तो पहली मर्तबा उन्होंने 5 सीटें गुजरात में दी, 2 देने वाले थे, अगर आप को याद हो तो उसी डंडे ने 3 सीट मुसलमानों की बढ़ा दी, और वो पैसा जाने का किराया 1,00,000 रुपया हमारे उस गरीब हाफिज जी ने अपना मकान बनाने के लिए रखा था, कहा मौलाना मकान बाद में बनेगा, ये वक्त दोबारा नहीं आ सकता। जब मैं पहली मर्तबा जेल से 2000 में निकला तो उस वक्त भी मेरे पास खर्चे का पैसा नहीं था, तो हमारे जामतुर रशाद के असातिज़ा ने 50-50 रुपया, 20-20 रुपया आपस में चंदा करके 1840 रुपया मुझे दिया था, और 1840 रुपये में आजमगढ़ में दुर्गा यादव को डंडा डाल दिया था, और वो भाग के मुख्तार अंसारी के घर गए थे, कहा मुझे बचा लो। हमारे बुजुर्ग मौलाना इमाम सिद्दीकी साहब हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, वो बराबर आज यहाँ हमारे लड़के कुछ आए हैं, तो हमने तय किया था कि मौलवी सिर्फ लेगा नहीं, हमारे जामतुर इरशाद में है, मौलवी सिर्फ लेगा नहीं, मौलवी चंदा देना भी सीखेगा, ये जामतुर इरशाद की खसूसियत है। और हमने ये तय किया था कि जो लड़के हमारे आएंगे वो 100 रुपया 50 रुपया उसमें दे के आएंगे, ताकि वो देने की तरबियत अभी से हो। मौलाना ने बुलाया और कहा नहीं, बच्चों से नहीं लेंगे, हम उसको देंगे। आज वो बच्चे यहाँ आए हैं तो हम मौलवियों की भी तरबियत करते हैं, जहाँ पर वो देने का ढंग सीखे, सिर्फ लेने का नहीं, वो मौलवी ज़कात देने वाला भी बने। अगर वो ज़कात ला करके मदरसा चला सकता है तो ज़कात दे करके मदरसे का एक छोटा सा काम भी कर सकता है इंशाल्लाह। दोस्तों, आज रिलीफ का काम पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितनी जमातें कर रही हैं, उसमें खास तौर से मुकदमा, जिसको देखिए मुकदमा लड़ रहा है। 2008 से पहले अगर एक भी तंजीम शख्सियत का नाम मैंने बता दिया था, किसी तंजीम की
भसोंक नहीं था कि जिनके ऊपर आतंकवाद का लेबल लगा दिया जाए, कोई इज्तिमाई मुकदमा लड़ने का ऐलान कर दे, ये ताकत भी राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने अता की। अवमान्य हुकूमत में रहने वालों से यहां गवाह मौजूद है, आंख में आंख डाल के बात करने की पहले दिन से 29 जनवरी 2008 को हम लोग जंतर मंतर पे गए थे एक तारीखी ट्रेन लेकर के उलमा एक्सप्रेस, वहां पर कुछ लोग जो दिल्ली में हमारे प्रोग्राम को देख रहे थे उनके यहां से होम मिनिस्टर के ओएसडी से बात हो रही थी। बहुत गौर से सुनिएगा, ये आपने 10 साल में कितना संघर्ष किया, क्या पाया और उस 5 फीट डंडे ने क्या किया। हम वहां गए, हमने पूछा क्या बात है, बार बार पार्लियामेंट का जो एसएचओ है वो आ रहा है पार्लियामेंट थाने का, आप बार बार कुछ कह रहे हो, जाता है आता है जाता आता है। तो बताया वो हम लोगों को होम मिनिस्टर से मिलने की बात हो रही है, वो कह रहे 2-3 आदमी आ जाओ। मैं माफी के साथ बहुत तल्ख बातें कहने जा रहा हूं, उलमा हमें माफ कर देंगे। उलमा को इकट्ठा करना मेढक तौलना है। आप बैठा लिए वो छटक के मेढक तोड़ लेंगे। हमारे साथ भी मैंने मेढक उन लोगों को कहा है जिन्होंने इल्जाम लगा करके, जो उन्होंने शेड पा था कि छुप करके वार कर रहे थे कि उनको बीच का कहा जाए क्या कहा जाए, उस वक्त तो हमारी सफों में मौजूद थे। अगर उनमें से एक को छोड़ देते तो पहले ही दिन इतिहास खत्म हो जाता। तो 12 लोग थे, वो कह रहे थे वहां होम मिनिस्टर साहब के 2 आदमी लेके आ जाओ, लास्ट में 4 आदमी तक तैयार हुए। तो जब वो दोबारा इससे आया तो मैंने उससे मोबाइल ले लिया और मैंने कहा एसडी साहब अपने उस होम मिनिस्टर से कह दो कि हम 12 लोग हैं, अगर 12 को बुला सकता है तो ठीक है, वरना तुम्हारे डंडा कहां समझ गए डालने की ताकत रखते हैं। आप यकीन मानेंगे वो पहले दिन जो डंडा था वो फौरन अपना काम कर गया और वहां से फौरन 1 मिनट में दानिश्वरान कौम थे जो मामला कर रहे थे, और 2-1 की बात हो रही थी, 8 मरतबा 10 मरतबा आ जा रहा था, और जैसे ही हमने डंडा घुमाया फौरन आर्डर आ गया कि 12 नहीं 24 लोग आ जाएं, जितने आना हो आ जाएं। और बड़ी अजीब सी बात बताऊं ना कि जब वहां पहुंचे जो चिदंबरम साहब थे, आए घड़ी देखी, लुंगी उंगी अपनी दुरुस्त की, ऐसे दुरुस्त किया उन्होंने और दुरुस्त करके कहा आपके पास 20 मिनट था, अब 18 मिनट बाकी है, 2 मिनट खत्म हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो लुंगी वाला भी टाइम हमारे में से ले लिया इसने। मौला याद होगा, मैंने कहा चलिए उठिए, ऐसे हरामखोर होम मिनिस्टर से हमें बात नहीं करनी है जिसके पास 22 करोड़ मुसलमानों के बात करने के लिए 22 मिनट का वक्त नहीं है। और हम लोग उठ के खड़े हो गए। लोग कहते हैं चिदंबरम साहब उर्दू नहीं जानते, हमने 2 मिनट में वो जो डंडा था वो जो तेवर था उर्दू सिखा दिया। और उन्होंने कहा मौलाना तशरीफ रखे, हम आपसे बात करेंगे, और 55 मिनट बात किया।
तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचने में अभी इनकाउंटर हुआ लखनऊ में, एक इनकाउंटर अखिलेश सामने जाते जाते कर दिया। हमने अखिलेश साहब से कहा कि आप जांच करा दो। हम 2001 से महाराजगंज कुशीनगर, यहां कुशीनगर के साथी हैं कि नहीं है, वो लड़ाई लड़ी गई है कि नहीं जी, मर्दानी आवाज में बताएं, यादव जी आप बताएं। हमने उस जमाने में हिंदू युवा वाहिनी के लोगों से उसी डंडे और जो रेप करते थे मुस्लिम समाज की लड़कियों का, उनको रेपिस्ट बना करके अदालतों के कटघरे में खड़ा करने की ताकत रखी। और जैसे ही योगी जी चीफ मिनिस्टर होते हैं, हम इन हरामखोर अखिलेश यादव, राहुल यादव, गांधी यादव नहीं, उत्तर प्रदेश में यादव होने जा रहे हैं, सोनिया, इन हरामखोरों से, अभी केजरीवाल हरामखोर से हम जा करके गुजारिश करते रहे कि सिर्फ जांच करा दो। हमने कहा जांच से क्यों घबराते हो, जांच क्यों नहीं कराते हो, कोई गलत मांग तो नहीं थी, हमने तो जांच की बात की थी, हमने ये तो नहीं कहा था मौलाना ताहिर मदनी से करा दो, हमने तो संवैधानिक एजेंसियों से कहा था करा दो। जांच नहीं कराई, लेकिन योगी जी जानते थे 2001 से मुझको चीफ मिनिस्टर होते ही होने के 8वें दिन यह हमारे पत्रकार अहबाब बैठे हैं, क्यों साहब 8वें दिन जांच का ऑर्डर हो गया या नहीं जी, हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कि योगी जी जानते थे कि इस मसले को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन रसा जी खड़ा कर सकता है। अगर वो अपने को बहुत बड़ा वाला समझते हैं तो ये भी समझते हैं कि मुझसे बड़ा वाला है। मैं शुक्रगुजार हूं उनका, मैं शुक्रगुजार हूं योगी जी का कि जो इंसाफ हमें इन हरामखोरों से बटला हाउस में नहीं मिल सका, वो लखनऊ इनकाउंटर में हमें इस हुकूमत में मिल गया। लेकिन साथ ही अभी एक और इनकाउंटर हुआ, एक हफ्ते के अंदर 2 इनकाउंटर होता है, एक अलीगढ़ में होता है और दूसरा लखनऊ में होता है। लखनऊ वाला योगी जी को फौरन पता चल जाता है कि फेक इनकाउंटर है, और दूसरा इनकाउंटर एक हरामखोर एसपी करता है वहां पर, मीडिया को बुला करके फिल्म की शूटिंग करता है। ये लोग तो खाते पीते घर के थे, लेकिन वो तो गरीब और मजदूर खानदान के थे। हमने आपकी बात मान ली, वो मुजरिम थे। अभी तो ये तिवारी का भी पता नहीं चला कि मुजरिम था कि नहीं था। अभी तो पुलिस वादा कर रहे कुछ और, लेकिन वहां पर 25 लाख रुपया और बच्चों की तालीम और नौकरी भी दे दी गई। लेकिन अलीगढ़ के इनकाउंटर पे ना तो सोनिया जी का फोन आया, ना अखिलेश भैया को दर्द हुआ और ना मायावती के पेट में मरोड़ हुआ। जानते हैं क्यों? इसलिए गुलाम कौमों की कोई हैसियत नहीं होती,
आज तय करके यहां से जाओ। मैं अभी अपने अब्दुल रहमान कहीं है? नहीं, छोटा एक लड़का हमारा घर का है। जब तक कि घर का एक एक बच्चा अपने घरों में, स्कूलों में, दीवारों पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नहीं लिखना सीखेगा, तब तक इनकलाब नहीं आ सकता। आप MBBS बन करके कौम को इनकलाब, कौम का इनकलाब नहीं आ सकता। MBBS का मतलब समझते हैं? मियां, बीवी, बच्चे समेत पूरी कौम MBBS हो गई है। उन्हें डर लगता है किससे? योगी से। उन्हें डर लगता है मोदी से। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, 60 साल ये सेकुलर पार्टियों की जो हुकूमतें थी, उसमें जो सूरज निकलता था, अब क्या मोदी जी की हुकूमत में वो सूरज तुम्हारे घरों में नहीं पहुंचता? बोलिए, हवाएं नहीं चलती? ताकत पैदा कीजिए इनसे लड़ने की। आइंदा आज जात बिरादरी की बात होती है, सबसे पहले अगर किसी ने जात बिरादरी को राजनीति में शामिल किया तो वो नेहरू था। 1952 और 51 के इलेक्शन में काफी लंबा चला था। नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को रामपुर से टिकट क्यों दिया? क्यों नहीं बनारस काशी से पंडितों के दरमियान भेज करके मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्यों नहीं टिकट दे करके जितवाया? उस वक्त तो कांग्रेस अगर गधे को भी टिकट दे देती तो वो जीत जाता कि नहीं जीत जाता भाई? तो जात बिरादरी की शुरुआत वहीं से हुई। उसी के बाद नेहरू ने गाजीपुर से भूमियार को टिकट दिया। आजमगढ़ यादव बहुल था, चंद्रजीत यादव को इंदिरा गांधी ने दिया तो किसने किया भाई? आज कहते हैं भाजपा जात धर्म की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की। राम मंदिर 1984 से पहले भाजपा का मुद्दा नहीं था, और जब भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया तो राजीव गांधी ने 1984 में ताला खुलवा करके अपने को हिंदू का सबसे बड़ा सम्राट बनाने की, दिखाने की कोशिश की। जब सबसे पहले करण सिंह के जरिए पूरे मुल्क में विराट हिंदू सम्मेलन अगर किसी ने कराया तो नेहरू ने शुरू करवाया, जो आज लोग कहते हैं सेकुलरिज्म के हामी थे। 1991 के इलेक्शन में आडवाणी जी ने अगर सोमनाथ से अपने इलेक्शन का बिगुल बजाया तो राजीव गांधी ने अयोध्या से बिगुल बजाया। तो धर्म की राजनीति किसने शुरू की पहले? आपको यह समझना होगा। मुलायम सिंह यादव ने 1989 में चीफ मिनिस्टर होते हुए, जिन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का बचाने का तमगा दिया जाता है, शामनामा 6 दिसंबर 1992 का जाके उठा लीजिए, और 90 का 30 नवंबर 1990 का जब गोली चली थी
तो मुलायम सिंह यादव ने यह बयान दिया था कि हमने किसी भी वो क्या कहते हैं कौन था कार सेवक पर गोली चलाने का आर्डर नहीं दिया, लेकिन यह हरामखोर मुसलमानों का मुनाफिक आजम खान ने कहा नेताजी चुप हो जाओ, और रो रो के जाके मुसलमानों ने कहा कि तुम्हारे लिए मुलायम सिंह यादव ने गोली चला दी, और मुसलमान आज तक उनका एहसान मान रहा है। यहां तक चला गया कि हम काफिर हो गए ये कह करके मौलवियों ने यह बात कही कि अब हमारी हिफाजत उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव करेंगे। क्या कोई मुसलमान ये कह सकता है? क्या वो मुसलमान बाकी रहेगा? अल्लाह ताला छुट्टी पे चले गए और मुलायम सिंह इबादत करेंगे? मुलायम सिंह यादव ने जो सबसे बड़ा कारनामा किया, मुसलमानों सुन लो, कि 1989 में अयोध्या थाना था, थाने का नाम अयोध्या था, उस थाने का नाम बदल करके वो क्या राम जन्मभूमि थाना कर दिया। 1989 में उससे नियत का पता चल जाएगा मुसलमानों कि ये कितना बड़ा मस्जिद का हामी और सेकुलर है। अब तो आरएसएस ने फुल पैंट शुरू कर दिया है, अब तो किसी धोती में फुल पैंट छुप नहीं पाएगा, लेकिन जब छुप जाता था तो मुलायम सिंह यादव जैसे और उसका ये बेटा अखिलेश यादव ये चड्ढी भी लंगोट भी और फिर चड्ढा भी आरएसएस का खाकी रंग का पहनते थे। ये जहन में डाल लो, ये कभी तुम्हारे नथे न हो सकते हैं। अभी मायावती को नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आजमा नहीं है, गुलाम गुलाम होता है, यहां से निकल के वहां गुलामी करने चला गया। आए हमारे पास, हम चल के नहीं गए थे, हमसे मदद तलब की, हमने जो उन्हें मदद दी ये क्या कह दिया कि मायावती साहब आप भी हरामखोर रही है, 5 साल की हुकूमत में हमारा बहुत बड़ा योगदान था मुसलमानों का, लेकिन आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमको विवेक तिवारी याद है, लेकिन उनके 5 कालिदास पे चीफ मिनिस्टर का ओहदा लेने के 10वें दिन ये जलाल हरामखोर जो था उसने 2 मुसलमानों का कत्लेआम वहां कर दिया, इनकाउंटर कह के कि बहन जी आपको मारने आए थे, और उनके जेब से नक्शा निकला है 5 कालिदास का। आप सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि जो आदमी सीएम को मारने आएगा, अगर यहां बाहर निकल के लखनऊ में किसी कुत्ते से पूछे कि 5 कालिदास कहाँ है तो भूख के बता देगा इधर है चले जाओ, और जो इतना बड़ा काम करने आया सीएम का कत्ल करने, सीएम को उड़ाने आया है, वो नक्शा लेके जेब में घूम रहा है। ऐसे कदे बीजेपी बन जाते, नक्शा लेके घूम रहा, लेकिन क्या कहे अदालतों को? लोग कहते हैं माननीय अदालत है, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। अदालत यहां पर हिंदुस्तान में संविधान के मातहत है, अगर जज बेईमान होगा तो उस जज को बेईमान कहेंगे। कंटेंट ऑफ कोर्ट लगता है, लगने दो, मुझे मालूम है कि आमिर रशादी पे जो कंटेंट होगा तो सबसे ज्यादा 6 महीने की सजा है कंटेंप्ट की। जब मुझे वो सजा देगा बुला करके तो कल्याण सिंह को तो बाबरी मस्जिद का कंटेंप्ट जो है 1 दिन का देगा, लेकिन आमिर रशादी को वो 6 महीने से कम नहीं देगा। तब मैं ये फिर कहूंगा कि मैंने तुझे बेईमान कहा था, आज फिर तुमने कंटेंप्ट में मुझे सजा दे करके साबित कर दिया कि तू फिर बेईमान। अब तो अदालतें कह रही हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पिछले 3 साल पहले कहा कि अदालतों में कुछ सड़ रहा है। अभी 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जिसमें आज मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपने मिश्रा जी के खिलाफ
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने ये कर करके आप लोगों को ये हक दे दिया है कि बेईमान को बेईमान कहा जाए, चाहे वो वहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी कुर्सी पे बैठा। स्लॉटर हाउस का मसला आया, ये सेकुलर अखिलेश यादव ने अगर आज मुसलमान 25 लाख ओबीसी मुसलमान और दलित बेरोजगार हो गए हैं, स्लॉटर हाउस एनजीटी बार बार सुप्रीम कोर्ट बार बार नोटिस भेज रही थी कि उसको लीगल कर लो, जो उसके पैमाने है उस पैमाने को पूरा कर लो और उनको लाइसेंस दो, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको लीगलाइज नहीं किया और उनको लाइसेंस नहीं दिया, न बंद होने दिया। अगर इस हुकूमत ने एनजीटी की बात मान करके अगर वो बंद कर दिया तो बताओ मुजरिम कौन है, मैं नहीं फैसला करूंगा, आपको करना होगा। कौन है कैसे बताओ? तेनरियों के पूंजीपतियों के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, लेकिन गरीब जो दाल रोटी खाता है स्लॉटर हाउस से, उसके लिए क्या अखिलेश यादव ने कोई आवाज उठाई? कोई आवाज उठाई? दोस्तों, जब तक मैं सियासत में नहीं आया था तो इन सारे हरामखोर सियासतदानों का बड़ा चहेता था, इसलिए कि मैं भी आशीर्वादी मौलवी था, मेरे सारे आशीर्वाद लेने आते थे, भाजपा वाले भी आशीर्वाद लेने आते थे, और जैसे ही मैंने ये प्रोफेशनल बेईमान और हम हरामखोर सियासतदानों और पार्टियों के खिलाफ आवाज बुलंद की, मेरे अंदर इतने कीड़े पड़ गए। जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर मैं कमजोर दिल का होता तो ये जो भाजपाई मुसलमान, कांग्रेसी मुसलमान, बसपाई मुसलमान और सपाई मुसलमान, इन सबों ने इतने कीड़े डालने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह की फजल है, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। दोस्तों, राम मंदिर की बात हो गई, स्लॉटर हाउस की बात हो गई, इनकाउंटर की बात हो गई, अगर 2019 में उलमा काउंसिल यहाँ हमारे गाधी आदिल हक्कानी साहब, मैं कहूँगा खड़े हो जाएं, ये हमारे बहुत अहम आदमी, इनका तालियों से इस्तकबाल कीजिए, इनकी कोशिशें हैं और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन पूरे मुल्क के साउथ, ओडिशा, महाराष्ट्र, पूरा साउथ, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे बिहार, इन सारे जगह के एक से एमपी, एक से राज्यसभा के मेंबर और बहुत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, इन तमाम लोगों से हम लोगों की मुलाकात हो रही है और जिसका सारा श्रेय हमारे आदिल साहब को जा रहा है। जब मैं जाता हूं तो वहां पर वो रोज, हमने ये पहले दिन तय किया था, हमको 2009 में सोनिया गांधी के यहाँ से रामनरेश यादव मर गए, वो आए, उन्होंने कहा मैडम मिलना चाहती हैं, हमने कहा मिल लें। दूसरे दिन वो एक साहब हमारा टिकट लेकर के कहने लगे, मौलाना बिजनेस क्लास का, बिजनेस पे जोर ज्यादा था, वो समझते थे बिजनेस करना है, टिकट लेके आ गए,
एक इनोवा गाड़ी भी मेरे पास उस वक्त किराए की वो थी क्वालिस कि मौलाना कल सुबह आपकी फ्लाइट है, ये गाड़ी खड़ी रहेगी रात भर और आप वहाँ जाएंगे शेराटन होटल में ठहरेंगे और वहाँ पर फिर मैडम का आर्डर आएगा तो आप मिलेंगे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि मिलना कौन चाहता है, कह लेंगे मैडम। तो मैंने कहा टिकट उनका बनवाओ, मेरा क्यों बनवा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी जब हम 22 दिन हम लोग बैठे थे यहाँ, हमारे लड़के कुछ मौजूद होंगे जो दिल्ली में 22 दिन बैठे थे 341 पे, राहुल गांधी परेशान हो गए तो उन्होंने खुर्शीद सैयद जहाँ आज नदीम साहब हैं उस कुर्सी पे बैठा था वो और एक पाटिल साहब, तीन आदमी आए होटल, डॉक्टर जफर साहब उसके गवाह हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बहुत से इनके एहसानात हैं दोस्तों। इस आदमी ने अपना कारोबार ख़त्म कर लिया, जितने इजलास हुए उसमें अपने कारोबार का पैसा उठा के दे दिया, आज कोई कारोबार नहीं है, आज दूसरा अपना काम कर रहे हैं। ऐसे मुजाहिदों के लिए आप, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो आज 10 साल पूरा हुआ है। मैंने कई मर्तबा कहा कुछ पैसे आ गए थोड़ा सा ले लीजिए, उन्होंने कहा मौलाना आपको देख लेता हूं पैसा मिल जाता है, अल्लाह इस मोहब्बत को लिल्ला फिल्ला कायम रखे। राहुल वो लेके आए धरने पर, उन्होंने सारी बातें कर ली, क्या मौलाना कल राहुल जी जब वक्त देंगे आपसे तो आप आ जाइएगा मिलने। मैंने उनसे कहा राहुल गांधी आएंगे, कल ये मौलाना आप राहुल गांधी को जानते हैं? तो मैंने कहा तुम्हारा क्राउन प्रिंस होगा, हम वो समुदाय में समुदाय हैं कि अगर ऐसे हाथ हटा लेंगे तो वो फकीर हो जाएगा, भिकमंगा हो जाएगा। और हमने नारा दिया था 17 में दिल्ली में जाकर के, 11 में राहुल गांधी को हमने उत्तर प्रदेश में तकरीर नहीं करने दी, कई जगह बंधक बनाया, तो नारा दिया था यूपी में राहुल को रोका, अब शीला की बारी है, फिर भी घर ना माने पूरे मुल्क की तैयारी है, अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ सुनता है। कौन आया कौन गया उससे मतलब नहीं, लेकिन अपने दुश्मनों को परास्त करने की ताकत अल्लाह ने जुबान में से कहलवा दिया तो परास्त करके दिखा भी दिया। और फिर इस मर्तबा महागठबंधन बन रहा है, जो खबरें आ रही हैं 35 मायावती ने ले लिया, 30 अखिलेश भैया ने ले लिया, 3% के जाट वाली बिरादरी के नेता अजीत सिंह ने भी ले लिया और 10-12 कांग्रेस ने भी ले लिया और मियां भाई घंटा ही रहा है। मुसलमानों अगर अल्लाह से डरते हो तो मोदी से डरना छोड़ दो, छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? आवाज धीरी है, यह बीच वाली आवाज नहीं होनी चाहिए, जनानी आवाज नहीं होनी चाहिए, मर्दानी आवाज में बताओ। हम खड़े हुए थे, मुलायम सिंह यादव को पसीना आ गया आजमगढ़ में, हिंदुस्तान की तारीख में जब मैं आज यहां से लखनऊ से चला था तो खुदा की कसम मेरी गाड़ी में डालने के तेल का पैसा नहीं था। तेल का पैसा नहीं था, उधार लेके तेल दो गाड़ी में डाल के गए थे। और जब आजमगढ़ पहुंचे तो यहां शाहबुद्दीन भाई बैठे हैं, कहीं होंगे खड़े होंगे, अल्लाह इसे सलामत रखे। आजमगढ़ से 100 किलोमीटर पहले जो पहला इस्तकबाल किया तो 90 गाड़ियों से इस्तकबाल किया। और जब शाहगंज पहुंचे तो ये मुजरुद्दीन वगैरह यहां खड़े होके
खड़ा हो जाए। एक साथ पार्टी में आचार्य नहीं है, इन लोगों ने मिलकर के वहां 250 गाड़ियों से इस्तकबाल किया। और फिर कारवां आजमगढ़ जब पहुंचा तो 700 से 800 गाड़ियों का काफिला था। हिंदुस्तान की तारीख में नेहरू और तमाम नेताओं का इतना बड़ा काफिला हिंदुस्तान की आवाम ने नहीं देखा। आज तक नेहरू के सामने किसी मुसलमान ने नेहरू से लेके राहुल गांधी तक खड़े होने की ताकत नहीं पैदा की। दोस्तों, अगर तुम साथ और वसाइल का इंतजाम करा दो, जिससे अपने बच्चों को पालते हो उसी में से हलाल कमाई से अगर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को भी पालना शुरू कर दो, तो सोनिया गांधी के मुकाबले में मेरी बेटी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी की तालीम उसके पास है कि सोनिया अंग्रेज है तो क्या हुआ, उससे अच्छी अंग्रेजी हिंदुस्तान में रह करके बोल के दिखाई। वो मेरी बच्ची भी खड़ी होकर उसकी ताकत से उनका मुकाबला करने की ताकत रखती है। हम मुलायम सिंह के सामने कोई सारे लोग पूरा हिंदुस्तान के आए गए, 1500 हरामखोर उलमा, 1500 इतनी लंबी लंबी टोपी मैंने कभी देखा नहीं था। एक डीएनए वाला नेता मुंबई से लेके आया था, समझ गए, गाड़ी में टोपी नहीं हटती थी तो उतार के गाड़ी में बैठते थे। करोड़ रुपया मुलायम सिंह यादव ने खर्च किया। पैसा बांटने का आलम यह था कि दो जगह उलमा काउंसिल के ऑफिस में दो टोपी दाढ़ी वाले बैठे थे, उसने ये नहीं समझा ये हमारा दुश्मन है, उनको भी 5,000 दे के चले गए। मुकाबला करना सीखो। और वो हार के आजमगढ़ से गए, पूरी हुकूमत लग गई थी अखिलेश यादव की, और भारत सरकार को आईबी ने 70-80 हजार फर्जी वोट मरवा करके आजमगढ़ से जीते हैं, वो डंडा वहां भी काम किया। जिस डंडे का हमने तस्करा किया, अगर हम आज ऐलान करते हैं कि एनडीए ने, मोदी जी ने महंगाई की मार, ये मार, वो मार, तू मार, 56 इंच, न जाने क्या क्या करके आए, और जनता उनसे भी परेशान थी, जनता इनसे भी परेशान है, इसलिए हमने ये तय किया है कि इस मुल्क में अगर 99% में अगर कहूं तो गलत नहीं होगा कि शोषित और वंचित समाज के लोग रहते हैं जिन्हें आज तक अपने अधिकार नहीं मिले। क्या मिले? सिर्फ मुसलमान नहीं, 99% लोग ऐसे हैं या नहीं है कि जिन्हें उनके अधिकार नहीं मिले। इसलिए इंशाल्लाह आज तक जितने वो बने उसको किसी जयप्रकाश नारायण ने बनाया, किसी कल्लू चौधरी ने बनवाया, किसी वीपी सिंह ने बनवाया, पहली मर्तबा हिंदुस्तान की तारीख में जो हमने नारा दिया था एकता का नाच चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, पहले लोग हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा कहते थे, इसका मतलब नारा बदलने का जो हमारा है कि 70 साल मुसलमानों ने ईमानदारी से सवर हिंदू नेहरू से लेकर के वीपी सिंह, ओबीसी हिंदू कर्पूरी ठाकुर से लेकर के मोदी जी से लेकर के मुलायम लालू भालू तक, और ये जगजीवन राम से लेकर के आयती मायावती और रामविलास पासवान, अंबेडकर और न जाने कितने लोगों का, सबको ईमानदारी से क़यादत में मुसलमानों ने देश को बचाने के लिए वोट किया था। किया था कि नहीं किया था? इमरजेंसी के खिलाफ
जयप्रकाश नारायण आए, मुसलमानों ने सबसे ज्यादा साथ दिया। वीपी सिंह आए, मुसलमानों ने साथ दिया। यह हिंदुस्तान की तारीख में पहला विकल्प जिसका नाम होगा SSA, शोषित समाज अलायंस, NDA, UPA, SSA, शोषित समाज अलायंस, और जिसकी क्यादत इंशाअल्लाह ताला राष्ट्रीय उलमा काउंसिल करेगी। हम मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम राजस्थान में भी इलेक्शन लड़ेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में हमने काम नहीं किया है, इसलिए हम वहां पर अभी बात नहीं करते। लेकिन हमारा 8 साल से मध्य प्रदेश में, और राजस्थान के लोग यहाँ आए हैं कि नहीं आए? आए हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी आए हैं वहां पर इंशाअल्लाह ताला, और पूरे हिंदुस्तान में अगर अल्लाह ने चाहा तो एक तीसरा विकल्प इन दो बेईमानों से निजात दिलाने के लिए, ईमानदारी लाने के लिए। मैं आपको बता सकता हूं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, हमारे पास ऐसी लोग मौजूद हैं कि बगैर किसी इनकम टैक्स के, बगैर किसी इनकम टैक्स के देश के पास जो संपत्तियां अपनी हैं, अल्लाह की दी हुई है, उस संपत्तियों के बदौलत पूरा हिंदुस्तान चलाया जा सकता है। सिर्फ एक चीज, वो ईमानदारी की बदौलत। राहुल जी जो कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 1 पैसा पहुंचता है, मोदी जी के यहाँ तो जो चलता है वो पहुंचता ही नहीं, ये उनसे आगे निकल गए। ले जाते हैं नीरो भाई, मित्रों अब क्या करें, लेके चला गया। मित्रों वो तो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि एक मर्तबा, यही तरीका उनका होता है ना। मित्रों बताओ, गाय दूध देती है कि नहीं देती है? देती है कि नहीं देती है? देती है कि नहीं, पूछते हैं ना ऐसे ही। एक मर्तबा उन्होंने अपनी तकरीर में कह दिया कि हमारे गुजरात में सारा काम गुजरात में होता है, हमारे गुजरात में बैल भी दूध देता है। अब कह दिया, पीछे से आके उसने कहा, सर बैल दूध नहीं देता है, मोदी जी कैसे मान लेंगे? क्या मित्रों गाय घास खाती है कि नहीं खाती है? लोगों ने कहा खाती है कि नहीं, ऐसे पूछते हैं। लोगों ने कहा खाती है। तो जब गाय घास खाती है और दूध देती है तो बैल घास खाता है कि नहीं खाता? बोले खाता है। 125 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है, अब दुनिया की कोई ताकत बैल को दूध देने से नहीं रोक सकता। तो ये बैल से भी दूध दिलवा देते हैं। झूठी बोलना, जो चाहो बोल लो। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उत्तर प्रदेश में, हमें खास तौर से सबसे ज्यादा काम हमारा यहाँ है, कॉटन इंडस्ट्रीज, उद्योग नीति ऐसी, कांच, पीतल, आतर, कारपेट, बनारसी साड़ी, टूरिज्म। आपको पता नहीं होगा कि आपके बाप दादा का बनाया हुआ ताजमहल पूरे हिंदुस्तान में टूरिज्म से जो पैसा आता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश के ताजमहल से मिलता है। कहां मिटाओगे? हमारे पास वो सारी चीजें हैं, वेलफेयर स्कीमें हैं, तमाम लोगों को वेलफेयर स्कीम में जात धर्म किसी चीज के बगैर, तालीम आपका बुनियादी हक है, इलाज आपका बुनियादी हक है, रोटी कपड़ा मकान आपका बुनियादी हक है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस इलेक्शन में हम इतनी ताकत में जरूर आएंगे कि हमारे बगैर कम से कम किसी की हुकूमत नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला।
तो राष्ट्रीय उन्मा कौन तो जो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया कि अगर मौत से किसी की भूख से अगर मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, चाहे वो प्रधान से लेकर के डीएम तक जिले में जो उसका जिम्मेदार होगा उसको 302 के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसी तमाम चीजें हैं, वक्त बहुत कम है। इस मौजूदा सरकार योगी जी की ये है, फरवरी का जो डाटा उसने पेश किया है उसने कहा हमने लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए 1377 मुठभेड़ किया, 3229 मुजरिम गिरफ्तार किए, 349 मुजरिम को घायल किया और 44 मुजरिम का मर्डर हुआ। लेकिन इस मर्डर में सिर्फ मुआवजा एक आदमी को मिला। मैं योगी जी से यहाँ से सवाल करना चाहता हूँ कि एक समुदाय विशेष, एक जातीय विशेष को सिर्फ ये मिलेगा या पूरे हिंदुस्तान की आम जनता के लिए आप आगे बढ़ के ये काम करेंगे? अखिलेश यादव जो सबसे क्लीन चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं, अभी कैग की रिपोर्ट आई है, कैग समझते हैं? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो हिसाब किताब रखता है, 97,000